subscribe and turn the notifications on. हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नेक्सस बर्ड्स। आज की वीडियो का टॉपिक आपको दिखानी है कॉकटेल के बच्चों की प्रोग्रेस, तो आप वीडियो एंड तक देखिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छी प्रोग्रेस लगेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो व्यूवर्स, आप देख सकते हैं सबसे पहले एक बच्चा जो है इनका बाहर आ चुका है, ये आपको दिख रहा होगा बिल्कुल पीछे से छुपा हुआ है, ये आज ही जो है बाहर आया है। तो दिखाने की कोशिश करता हूँ मैं, ये देख सकते हैं ये चारकोल बच्चा है, ये के मुंह पे जो हल्का हल्का येलो स्पॉट है, ये आज ही बच्चा जो बाहर है। मैंने जो है इसके अंदर पिंजरे में ना जो ये बॉक्स लगा दिया ताकि रात में जो है बच्चा जो है अंदर चले जाए, और माशाल्लाह से इसने 5 बच्चे निकाले, 5 अंडे दिए थे, 5ों के 5ों बच्चे निकाले हैं। इसको जो है मैं रोज़ चने और गंदम दे रहा हूँ, बाजरा भी मैं इसको देता हूँ, जो कन्नी वगैरह जो होती है वो सब चीज़ें मैं देता हूँ। माशाल्लाह से ये पेयर जो है काफ़ी अच्छी फीडिंग करवा रहा है बच्चों को। जब भी मैं इसके बच्चों को देखता हूँ कि इसके बच्चों का पेट माशाल्लाह से जब भी देखता हूँ भरा हुआ होता है माशाल्लाह से। और ये कि मैं चने और गंदम जो है इसको रोज़ देता हूँ, रोज़ डेली मैं चने और गंदम ये प्याला भर के देता हूँ रोज़। जब जाके माशाल्लाह से ये है कि अपने बच्चों को बिल्कुल अच्छी तरीके से ये फीड करवाती है, अभी भी देख सकते हैं अपना पेट भर रही है, अंदर जाके जो है बच्चों को ये खाना खिलाएगी। ये बच्चा आपको मैं दिखाता हूँ, बाकी जो अंदर मटकी के अंदर है वो भी मैं दिखाता हूँ निकाल दे। सबसे बड़ा बच्चा है जो कि बाहर आ गया, आओ ये देख सकते हैं आप, माशाल्लाह से काफ़ी हेल्थ जो है, अभी भी देख सकते हैं अपने बच्चों को ये खाना खिला रही है। और ये बच्चा देखें आप, ये आज ही जो है बाहर आया है, मैंने ये लगाया था कि रात में जो है ये अंदर चले जाए, देख सकते हैं माशाल्लाह से बच्चा। और ये भी फीडिंग करवा रही है अपने बच्चों को। काफ़ी लोग कहते हैं कि कॉकटेल जो अपने बच्चों को फीड नहीं करवाता, तो गाइस आपके सामने है, आप इनको अच्छी चीज़ दें, सॉफ्ट फूड दें, अच्छी खुराक दें, माशाल्लाह से ये कि अपने बच्चों को फीड करवाएगी। ये भी फीड करवा रही है, मैं भी आपको अंदर के बच्चे दिखाता हूँ, फीड करवा ले पहले, ये कॉकटेल दे ऐसे फीड करवाता है। ये चारकोल का मेल है और क्रीम की फीमेल, इसने मेरे पास पहले 2 दफ़ा अंडे दिए थे, दोनों दफ़ा जो अंडे फर्टाइल नहीं करे थे उसने जो अंडे ख़राब कर दिए थे, इस बार जो उसने अंडे दिए हैं माशाल्लाह से सारे के सारे फर्टाइल इसने अंडे करे हैं। देख सकते हैं मेल भी फीड करवा रहा है, ये ऐसे फीड करवाते हैं अपने बच्चों को। और मैंने क्या इनको ढक के रखा हुआ है, अभी भी मैं ये क्या आधी चादर जो है इतनी जो है ढक देता हूँ ताकि कोई इनको तंग वंग ना करे। काफ़ी होते हैं ये डिस्टर्ब हो जाते हैं, कोई इनको तंग करते हैं ना, फिर ये अपने बच्चों को पालना छोड़ देते हैं। एक बच्चा तो इसका काफ़ी छोटा है अभी, मतलब ये तकरीबन 10-15 दिन का एक बच्चा है, बाकी बच्चे जो हैं बाकी बड़े हैं माशाल्लाह से। 5 बच्चे निकाले इसने, मैं भी ये फीड करवा ले फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ये बच्चा भी तकरीबन महीने तक का होगा, यहाँ तकरीबन सुबह बाहर निकला है। मैं आपको दिखा देता हूँ फिर भी, गाइस आपको चने और गंदम रात में भिगोना है और सुबह हल्का सा उबाल के इनको दे देना है ताकि बिल्कुल नरम हो जाएंगे। आप देख सकते हैं कॉकटेल का जो है डर भी ख़त्म हो गया, इतना डरते नहीं है अब, वरना पहले मैं मोबाइल जो है कैमरा अंदर लेकर जाता था तो ये है कि ये डरते थे। देख सकते हैं मेल जो है सामने बैठा हुआ है, ये देख सकते हैं आप, देख सकते हैं माशाल्लाह से इसमें 4 बच्चे हैं। ये वाला बच्चा जो है छोटा है बाकी, और ये सारे के सारे बच्चे जो हैं 4 कोल निकले हैं, क्रीम बच्चा जो है कोई भी नहीं निकला। देख सकते हैं सारे बच्चों का पेट, देखें सब बच्चों का जो है पेट माशाल्लाह से भरा हुआ है। ये पेयर है, इसकी फर्स्ट ब्रीड है मेरे पास,
और ये बच्चा। स्विगर से काफ़ी लोग कहते हैं कि कॉकटेल ब्रीड नहीं करता, काफ़ी टाइम ले लेता है, तो ऐसी बात नहीं है। आपके सामने है कि मेरे बाद भी इसने ब्रीड करी है, तकरीबन 6-7 महीने 8 महीने तक मैंने इसको रखा है, उसके बाद जाके जो है ब्रीड करी है इसने। अब ये कि माशाल्लाह से लगातार ब्रीड करता रहेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। इसको ये कि डिस्टर्ब नहीं करना है, क्योंकि काफ़ी लोग जो है कॉकटेल को डिस्टर्ब करते हैं, अंडे वंडे दिए होते हैं, बार बार मटकी देखते रहते हैं, तो इस वजह से जो है कॉकटेल जो है ख़राब हो जाता है, मतलब अंडे अपने जो अंडे ख़राब कर देता है ये। और देख सकते मैंने चारों तरफ से जो पूरा पिंजरा पैक करा हुआ है, बस अभी जो है मैंने अभी वीडियो बनाने के लिए जो है कपड़ा ऊपर करा है, वरना ये आपको मैं बार बार बताता हूँ कपड़ा मैं नीचे कर देता हूँ। फिर ये कि बच्चों को ये पालने में थोड़ा मुश्किल करते हैं लोग जब भी। और आपके सामने 5 बच्चे ये पाल लिए, काफ़ी लोग सोच रहे होंगे कि सॉफ्ट फूड रोज़ रोज़ देने से कुछ नुकसान वगैरह तो नहीं है, तो गाइस ऐसा कुछ नहीं होता। आपके सामने मैंने डेली सॉफ्ट फूड दे रहा हूँ, डेली तकरीबन महीना हो चुका है, और आपके सामने देख सकते हैं बच्चे कैसे हैं। मैं आपको बाहर निकालने की कोशिश करता हूँ इस बच्चे को। ये कि फीमेल थोड़ी गुस्सा हो जाती है जब भी मैंने बस ऐसे हाथ में रख लें, ये फीमेल गुस्सा हो जाएगी तो अपने बच्चों को नहीं पालेगी। और चार सारे जो बच्चे हैं सारे चारकोल निकले हैं, चारकोल ये वाला चारकोल है, सारे ब्लैक निकले, मतलब क्रीम जो है कोई नहीं निकला, रेड आई क्रीम कोई नहीं निकला। तो काफ़ी लोग मुझे कह भी रहे थे कमेंट करके यार अपने कॉकटेल की वीडियो बनाओ, तो अब गाइस आज ये है कि वीडियो आ गई कॉकटेल की। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।